हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम यूनिवर्सल मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इवनिंग 10.1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेरी डायरेक्टली। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखते द नंबर ऑफ पेन एंड देयर कॉस्ट। क्या नंबर ऑफ पेन अगर बढ़ेंगे तो क्या इनका कॉस्ट भी बढ़ेगा? तो चलिए इसको चेक करते हैं। अगर हम वन पेन लेंगे अगर इसका कॉस्ट 2 है और 2 पेन लेते हैं तो कॉस्ट कितना होगा? 4। 3 पेन लेंगे तो कॉस्ट कितना होगा? 6। तो देखिए नंबर ऑफ पेन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी हमारा क्या हो रहा है? डायरेक्टली बढ़ रहा है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन येस हो जाएगा, येस इट्स डायरेक्टली वेरी। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड फी कलेक्टेड इन अ स्कूल। यस, तो अगर कोई एक स्टूडेंट की फ़ी सपोज आपकी 400 रुपीज़ पर मंथ है तो 2 स्टूडेंट की कितनी होगी? 800। 3 स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी? ये 1200। तो देखिए ये भी क्या कर रहा है? डायरेक्टली वेरी कर रहा है। एक स्टूडेंट की अगर 4 है तो 2 की कितनी होगी? 800। 3 की कितनी होगी? 1200। तो यस, ये भी हमारा क्या कर रहा है? डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यस डायरेक्टली वेरी। सी नंबर क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जनरी एंड द स्पीड ऑफ कार। अगर किसी जनरी करना है वहाँ का जो टाइम है वो फिक्स है, फिक्स जनरी है, तो स्पीड अगर कार की हम 70 करें या 80 करें, हमको जो डिस्टेंस है वो तो एक ही कवर करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट वेरी होगा वो नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, वेज एंड आवर्स ऑफ अ वर्कर। देखिए जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन देखा था, अगर एक वर्कर को सपोज 400 रुपीज़ मिल रहा है तो 2 वर्कर्स को कितना पे करना होगा उसे? 800। एंड 3 वर्कर्स को कितना पे करेगा वो? 1200। तो यस, ये भी डायरेक्टली वेरी हो रहा, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। इट मीन्स आपका ए बी एंड डी, ये 3 ऑप्शन जो हैं वो डायरेक्टली वेरी करते हैं और सी ऑप्शन आपका वेरी नहीं करता। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, चेक इफ एक्स एंड वाई आर वेरी डायरेक्टली। तो देखिए 5 से आपका कितना हो रहा है? 15 हो रहा है 3 टाइम। 8 से कितना हो रहा है? 24 3 टाइम। 15 से अगर 60 देखें तो कितना हो रहा है? तो ये देखिए डायरेक्टली वेरी हुआ क्या? नहीं, तो ये आपका क्रॉस हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखें तो 100 से लेस हुआ कितना? 60। फिर 200 से इसका डबल होना चाहिए था तो ये भी नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग। अब यहाँ पे देखें तो 6 से माइनस हुआ तो 4, 10 से माइनस हुआ तो 8, देन 14 से माइनस हुआ तो 12, 18 से हुआ तो 16, 22 से हुआ तो 20। ये देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप 2 रिड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ हमारी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है लेकिन यहाँ पर रिड्यूशन जो है वो क्या हो रहा है? सेम चल रहा है। तो ये भी हमारा डायरेक्टली वेरी नहीं होगा। इट मीन्स तीनों जो है वो एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ ईच केस फॉलोइंग एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर फॉर ईच फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन बताना है, इट मीन्स हमको एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो फर्स्ट में दिया है वाई इज इक्वल टू 6x। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वाई अपॉन एक्स, ये हमारा क्या होगा? 6/1। इट मीन्स अगर x और y की वैल्यू को फाइंड करना है हमको तो ये क्या होगा? 1/6। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1/6। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकेंड में 5x = 4y, तो x के अपॉन में हमको क्या लेना है? y लेना है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 के अपॉन में आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। ऐसे ही थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड में 3x = y, तो इसमें क्या होगा? x यहीं पर रहेगा, y नीचे आ जाएगा, तो जो y की वैल्यू है वो 1 है, तो 3 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 3x को एज इट इज़ रखेंगे, y की साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा? माइनस का y,
एक्स को एज इट इज वाई स्के अपॉन में आएगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन अपॉन थ्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी डी की माइनस वन अपॉन थ्री। ऐसे ही ई नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो ई नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू टू एक्स। यहाँ से भी एक्स और वाई को निकालें तो वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर वन, वाई के नीचे क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू टू, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा हमारा वन बाय टू। तो ये हमारे इसके एक्स और वाई के वेरी के कॉन्स्टेंट वेरिएशन आ जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फोर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इफ एक्स एंड वाई आर वेरी डायरेक्टली। देखिए इसमें आपको एक क्वांटिटी पी अननोन दी है, एक क्वांटिटी क्यू अननोन दी है। तो इसके लिए हम क्या करें, जो इसके फर्स्ट वाली वैल्यू है उसी को साथ में लेके चलें। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास में वैल्यू क्या क्या है, तो 10 अपॉन 50 एंड पी अपॉन 1 बाय 25। तो ये हमारे पास में वैल्यू है। तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लेंगे 10 अपॉन 50 इक्वल टू पी अपॉन 125। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें क्योंकि हमको पी की वैल्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू चाहिए तो पी की वैल्यू को बस साइड चेंज करें तो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू पी। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, 5 से कट होगा तो कितने टाइम जाएगा 25 टाइम। इट मीन्स पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25, ये आपकी पी की वैल्यू होगी। ऐसे ही हम सेकंड वाला देखेंगे। तो सेकंड वाले में हमारे पास में क्या दिया 15 अपॉन 75। तो यहाँ पर ले लें हम 15 अपॉन 75 इज इक्वल टू 21 अपॉन क्यू, ये आपको दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सिर्फ क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू को यहाँ पर रखें और 21 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 15। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो 5 बन जा 5, 5 5 सा 15, 5 जा 75। देन यहाँ पे क्या बचा 21 मल्टीप्लाई 5 जो कि कितना हो जाएगा आपका 105। तो यहाँ पर Q की वैल्यू आपकी क्या आ गई 105 और P की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, P की वैल्यू आपने निकाली थी 25। तो ये आपके क्या हो जाएंगे इसके आंसर वेरिएशन के। चलिए अब देखते हैं सेकंड बी नंबर क्वेश्चन। बी में भी आपको सेम जैसा अभी कर रहे थे ऐसे ही करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज दी हुई है उसको लेके चलें। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया है 1/8 पी अपॉन 28। जब हमारी पी वन की वैल्यू निकल आएगी तो हम इसको पुट करके पी टू की वैल्यू निकालेंगे। जब पी टू की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे पी थ्री की। चलिए 1/1 करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया था 1/8 इज इक्वल टू 1 पी वन अपॉन 28। पी वन की वैल्यू निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे 28 की साइड चेंज करेंगे। तो 28 अपॉन 8 इज इक्वल टू पी वन। यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या होगा 4 7 जा 4 2 जा, तो पी वन की वैल्यू आपकी कितनी आई 7/2। अब देखिए पी वन की वैल्यू आपके पास में 7/2 आ गई है। चलिए अब पी टू की वैल्यू को निकालें। तो पी टू की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे जिसमें हमारा 1/8 दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में 1/8 है, यहाँ पर हमारा क्या है पी टू और डिवाइड में कितना है हमारे पास 64। 64 की वैल्यू साइड को चेंज कर दें तो क्या आएगा पी टू यहाँ पर आपका 64/8, 8 से कट होगा तो पी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो पी टू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 8, ये आपकी पी टू की वैल्यू आ गई। चलिए अब पी थ्री की वैल्यू को निकालें। तो पी थ्री के लिए भी क्या करें हम 1/8 जो हमारा दिया हुआ है देन पी थ्री अपॉन अपॉन में कितना दिया हुआ है 160। क्रॉस कर दें इसको, सिर्फ 160 की साइड को चेंज करें 160 अपॉन 8 इज इक्वल टू पी थ्री। कट होगा तो कितने टाइम जाएगा 20 टाइम। तो P3
P3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। देखिए आपके पास में सारी वैल्यूज आ गई P की। अब Q की वैल्यू की बारी है, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 1/8 इज इक्वल टू 13/Q। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो Q इज इक्वल टू 13 × 8 जो कि आपका कितना होता है 104। तो यहाँ पर देखिए आपकी Q की वैल्यू कितनी आ गई 104, जो आपने स्टार्टिंग में निकाला P1 की वैल्यू, ये क्या थी आपकी 7/2। P2 की वैल्यू आपकी थी 8, और P3 की वैल्यू है आपकी 20, एंड Q की वैल्यू आपने कितनी निकाली 104। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे क्वेश्चन 4th के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, इफ 5 pen कॉस्ट इज 70, हाउ मच विल 12 pen कॉस्ट। अगर 5 pen का कॉस्ट 70 है तो 12 pen का कॉस्ट आपको निकालना है। चलिए तो देखें, सबसे पहले 5 pen का कॉस्ट कितना दिया है, तो इसको लिख लें 5 pen कॉस्ट इज इक्वल टू ₹70। तो 1 pen का कॉस्ट निकालें, तो 1 pen कॉस्ट इज इक्वल टू 70/5। कट करेंगे तो कितना टाइम आएगा, 14 टाइम। इट मीन्स आपके 1 pen का कॉस्ट कितना है, ₹14। आपको चाहिए कितने पेन्स का, 12 pen का कॉस्ट। तो 12 pen कॉस्ट इज इक्वल टू 14 × 12। 14 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 12 × 4 = 8, 48 × 8 कैरी 4 × 6 तो 168। हैंस आंसर क्या लिख देंगे, हैंस 12 pence कॉस्ट इज इक्वल टू ₹168। ये आपका किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th का। तो हमारे 12 पेन का कॉस्ट कितना हो गया 168। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ मशीन कैन फिल 48 कंटेनर इन 6 आवर, हाउ मेनी कंटेनर कैन बी फिल्ड इन 48 आवर। एक मशीन जो है वो 48 कंटेनर को 6 आवर्स में फिल करती है, तो आपको ये बताना है कि 48 आवर्स में वो कितने कंटेनर्स को फिल करेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिससे हमको डायरेक्टली इन्वर्स और वेरिएशन की प्रोसेस समझ में आएगी। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर लें, यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेनर लिख लेते हैं यहाँ पर। देन नीचे क्या ले लेते हैं हम, टाइम, कंटेनर टाइम। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं हम स्मॉल, जिसमें हमारा जो कंटेनर है 48 जो कंटेनर है वो कितने आवर में फिल हो रहे हैं, 6 आवर में। और आपको आप कितने आवर में फिल करना है, 48 आवर में आप कितने कंटेनर फिल करेंगे, तो हम इसको x ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लें तो 48/6 इज इक्वल टू x/48। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्टली करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 × 48 में क्या आएगा आपका 6 इज इक्वल टू एक्स। 6 से कट होगा 8 टाइम, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 = 64 का 4 कैरी 6, 8 × 4 = 32 और 6 = 38। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 384। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैंस 384 कंटेनर फिल इन 48 आवर्स। तो आपके जो 348 कंटेनर वो फिल होंगे 48 आवर्स में। तो ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फिश विद अ मास ऑफ 2 kg कॉज फिशिंग पोल टू बेंड 6 cm, इफ द बेंडिंग वेरी डायरेक्टली एज द मास, देन हाउ मच विल द फिशिंग पोल बैंड फॉर 4.5 kg फिश। चलिए तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या लेंगे, एक जगह पे लेंगे हम मास
दूसरी जगह पे लेंगे हम बैट। एक मास ले लिया और एक क्या ले लिया हमने, बैट। अब इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी हुई हैं उस वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था, जब 2 kg था तो कितना लग रहा था, 6 cm। जब 4.5 kg है, इसके लिए फाइंड करना है, इसलिए हम क्या कर लें इसको x। तो ये हमारा क्या होगा, 2 by 6 = 4.5 / x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x = 4.5 × 6/2। 2 से कट करें, 3 times, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, x = 13.5 cm। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैंस 13.5 cm फिशिंग पोल बैंड फॉर 4.5 kg। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 13.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर दिया, इफ द थिकनेस ऑफ 500 sheets ऑफ पेपर इज 3.5 cm, व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ 275 sheets ऑफ पेपर। चलिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल लिखेंगे। टेबल में क्या करें, सबसे पहले टेबल में हम क्या करेंगे, एक पेपर एंड यहाँ पे क्या ले लेंगे, जो पेपर की थिकनेस है, तो पेपर एंड थिकनेस, इसके लिए हमने टेबल बनाई यहाँ पर। ये आपकी टेबल हो जाएगी पेपर और थिकनेस के लिए, जिसमें आपका जो 500 sheets हैं इसके लिए थिकनेस कितनी है, 3.5। आपको रिक्वायरमेंट कितने की है, जो कि आपको दिया हुआ है 275 sheets। तो कितनी थिकनेस होगी उसको हम ले लेते हैं x। चलिए अब इसको वेरिएशन में लेते हैं, तो 500 / 3.5 = 275/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x = 275 × 3.5/500। तो आपके पास में ये आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से आप कट करेंगे, तो 5 से कट करने के बाद जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.925 cm। तो ये आपकी जब 275 sheets होंगी तो आपकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी, 1.925। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ कैंप 105 kg ऑफ फ्लोर इज इनफ फॉर 5%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर 19%। तो इसके लिए भी एक छोटी सी टेबल बनाए, तो छोटी सी टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले फ्लोर और यहाँ पे क्या कर लें, पर्सन, क्योंकि इन दोनों के ही बारे में बात हुई है, तो फ्लोर और पर्सन। देन इसके लिए हमारी एक छोटी सी टेबल बनेगी। इन टेबल्स में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, 105 kg, ये कितने पर्सन्स के लिए लग रहा था, 5% के लिए। अगर 19% हो जाए तो कितना फ्लोर लगेगा, तो यही बोला गया था। चलिए इसको पुट कर लेते हैं, 105/5 = x/19। 5 से कट कर लें, 5 × 2 = 5, 1 = 20, तो 21 × 19 = x। 21 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 399 = x। इट मीन्स जब 19% होंगे तो हमारा 399 kg फ्लोर यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो ये हैंस वाली लाइन आप नोट करते जाना, हैंस 399 kg फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर 19%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अ कार यूज 3 liters ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 75 किलोमीटर, हाउ फार विल द कार ट्रेवल
यूजिंग 12.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है वो 3 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है, 75 किलोमीटर। आपको बताना है कि अगर 12.5 लीटर पेट्रोल हो तो कार कितने किलोमीटर जाएगी। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, एक हमारे पास में डिस्टेंस और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, पेट्रोल, क्योंकि यहीं पे ये टू पॉइंट्स के बारे में बात हुई है। तो डिस्टेंस एंड पेट्रोल, तो इसके लिए भी एक टेबल बना लें। टेबल में जो हम वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस कितनी चल रही है, 75 किलोमीटर, कितने लीटर में, 3 लीटर में। आपको बताना है एक्स किलोमीटर चलेगी कितने में, 12.5 लीटर में। चलिए इसको पुट करें, 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12.5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 75 मल्टीप्लाई 12 डेसिमल 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स। 3 से कट होगा 75 कितने टाइम, 25 टाइम। अब 25 का 12.5 में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 12.5 इज इक्वल टू एक्स। जब हम 25 का 12.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 312 डेसिमल 5। इट मींस जब हमारे पास में 12.5 लीटर पेट्रोल होगा तो जो कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 312.5 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हुआ है, अ मशीन टेक 12 आवर फॉर कटिंग 240 टूल्स। एक मशीन है जो 12 आवर्स में कितने टूल्स कट कर रही है, 240। आपको बताना है अगर वह मशीन 25 आवर्स वर्किंग करे तो कितने टूल्स को कट करेगी। चलिए तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे टूल्स हैं जो कट हो रहे हैं वो टूल्स ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर आवर्स। तो ये हमने टेबल बना ली यहाँ पर, टेबल में आवर्स ऑफ कटिंग। तो सबसे पहले 240 टूल्स कट हो रहे थे कितने आवर्स में, आपके 12 आवर्स में। आपको बताना है कि अगर 25 आवर्स हों तो कितने टूल कट होंगे, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, एक्स, लेट द टूल कट एक्स। चलिए इसको भी वेरिएशन में करते हैं, 240 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 25। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो 240 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 12 से कट होगा, 12 टू ज इट मीन्स 20 टाइम, और 20 में 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 500 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, हैंस 500 टूल कट इन 25 आवर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह हुआ है, अ कार कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर इन 5 आवर। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 546 किलोमीटर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। चलिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कार और उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस, यहाँ पर हम लेंगे डिस्टेंस, और यहाँ पर नीचे हम क्या ले लेंगे, इसका जो टाइम इसको कंज्यूम हो रहा है, इसकी टेबल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर कितने आवर में कवर कर रही है, 5 आवर में। कितने किलोमीटर चलना है टोटल, 546, जिसमें आपको टाइम क्या लगेगा, लेट द टाइम बी एक्स। तो ये हमारी एक टेबल तैयार हो गई। अब इसको वेरिएशन के उस पर करें तो क्या होगा, 210 अपॉन 5 इज इक्वल टू 546 अपॉन एक्स। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 210 नीचे आ जाएगा, 546 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो 546 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में आ गया 210। तो एक्स हमारा कहाँ पर आ जाएगा, फ्रंट में। चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से कट कर दें, 5 4 जा एंड 5 2 जा 42, देन 42 से
546 को कट करेंगे तो ये कितने टाइम कट होगा आपका, 13 टाइम। तो कितना आ जाएगा, 13 हैंस। जो आंसर लिखेंगे हैंस 546 डिस्टेंस विल कवर इन 13 आवर, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 13 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑन अ मैप ड्रॉन अ स्केल 0.6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 6 decimal 6 kilometer। एक मैप है जिसमें आपका कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 decimal 6 kilometer। देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन मैप ऑन 17.5। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है स्केल की। चलिए तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वही एक टेबल बना लेते हैं, स्केल, देन यहाँ पर हम ले लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, स्केल लेते हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट। देन इस टेबल को लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो स्केल है वो क्या शो कर रहा था, स्केल यहाँ पे आपका शो कर रहा था 0.6 kilometer, और जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो क्या था, 6 decimal 6 kilometer। एंड आपको बताना था अगर 17.5 हो तो कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हमने क्या ले लिया, x। चलिए अब इसको हम फिर से अकॉर्डिंग टू टेबल इसको वेरिएशन में लेते हैं, तो वेरिएशन में क्या आएगा, 0.6 upon 6 decimal 6 इज इक्वल टू 70.5 upon x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू 70.5 multiply 6.6 upon 0.6। डेसिमल से डेसिमल को रिमूव करें, 6 से कट करें तो कितने टाइम होगा कट, 11 टाइम। x इज इक्वल टू 70.5 multiply 11। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 775.5 kilometer। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैंस When scale 17.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किलोमीटर में कितना होगा, 775.5 kilometer को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, अब 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ बॉक्स ऑफ डार्क चॉकलेट एंड दैट ऑफ हेजलनट चॉकलेट आर इन द रेशो 2:3। If the cost of one box of hazelnut chocolate is 345, find the cost of a box of dark chocolate, the cost of 5 box of dark chocolate. चलिए इसको निकालें, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो में दिया हुआ है तो लेट रेशियो को हम x ले लेते हैं, तो डार्क चॉकलेट का कितना दिया है और हेजलनट चॉकलेट का 2 and 3, जिसमें हमारे पास में जो वैल्यू दी है वो हेजलनट चॉकलेट 3x की वैल्यू दी है 345। तो यहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो x इज इक्वल टू 345 upon 3। तो इसको कट करेंगे तो कितना टाइम आएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो ये एक जो हेजलनट चॉकलेट है उसका जो प्राइस कितना है, 115। अब आपको क्या करना है, डार्क चॉकलेट का निकालना है। तो अगर डार्क चॉकलेट लें तो वन बॉक्स जो है वो हमारा कितने का होगा, 2x, क्योंकि x यहाँ पर भी, तो 2x 2 multiply 115, तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 230। ये हमारा बॉक्स का हो गया, ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड का आंसर देखें, तो सेकंड के लिए हमारे पास में कितना है, 5 boxes हैं, तो 5 box multiply 2x, क्योंकि 2 ratio दिया है, तो 5 multiply 2 30, तो आपका सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, 1150। तो ये आपका ए का आंसर हो गया, और ये किसका आंसर हो गया आपका, वी। तो ये आपके डार्क चॉकलेट के आंसर्स आ गए, आई होप समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 350 परफ्यूम बॉटल ऑफ द सेम साइज कैन बी पैक्ड इन 15 कार्टून ऑफ द सेम साइज, हाउ मैनी सच कार्टून आर रिक्वायर टू पैक 2997 परफ्यूम बॉटल। चलिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे।
जिसमें हमारे पास में क्या होगा, एक परफ्यूम बॉटल, और नीचे क्या होगा जो कि हम कार्टून बॉक्स में उसको फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू टेबल हमारी जो 350 परफ्यूम बॉटल है वो कितने बॉक्सेस में कैरी हो रही हैं, 50 बॉक्सेस में कैरी हो रही हैं। आपको चाहिए कितनी, 2997। इसके लिए आपको क्या बताना है, बॉक्स की रिक्वायरमेंट। तो बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट को हम क्या ले लेते हैं, एक्स। अब इसको भी वेरिएशन में करें तो 350/50 इज इक्वल टू जो हमारे पास में है 2997/x। सबसे पहले जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दें, 5 से कट करें, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2997/27। 2997 को जब हम 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 बन जा 27, फिर 2 बचेगा, 27 बन जा 27, फिर 2 बचेगा, फिर 27 बन जा 27। इट मींस अगर आपकी हैंस, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस, अगर परफ्यूम बॉटल 2997 है तो जो आपकी बॉक्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, 111 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हेमंत कैन टाइप 1020 वर्ड पर आवर। हेमंत जो है वो 1021 एक आवर में टाइप कर रहा है। तो हाउ मैनी वर्ड कैन बी टाइप इन 23 मिनट। तो वह 23 मिनट में कितने वर्ड्स को टाइप करेगा। चलिए इसके लिए भी हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टाइपिंग वर्ड, TW का मतलब टाइपिंग वर्ड। यहाँ पर क्या लेते हैं, टाइम, जो कि हम किस में लेंगे, मिनट में, क्योंकि 23 मिनट्स का पूछा गया है। तो यहाँ पे टाइम को हम मिनट में लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो वर्ड है वो कितने हैं, 10, 21, 20 वर्ड, 1 आवर। 1 आवर का मीन्स 60 मिनट। आपसे पूछा गया है कि 23 मिनट में कितने वर्ड टाइप करेगा, तो उसको हम क्या सपोज करते हैं, लेट एक्स वर्ड भी टाइप। तो क्या होगा, 10, 20 वेरिएशन लें, अपॉन 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 23। जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट, 6 से 120 को कट करें, तो क्या होगा, 2 5 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 17 जा 51। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 17 × 23 इज इक्वल टू एक्स। तो आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 391 इज इक्वल टू एक्स। तो आपका आंसर होगा, हैंस 391 वर्ड विल बी टाइप इन 23 मिनट। तो ये आप लिख सकते हैं कि कितने वर्ड टाइप करेगा वो, 391 वर्ड्स टाइप करेगा 23 मिनट में। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ लॉरी ट्रेवल 28 किलोमीटर इन 50 मिनट, हाउ फार कैन ट्रेवल इन 5 आवर। देखिए यहाँ पर भी आपको टाइम का दिया हुआ है, तो जो लॉरी है वो क्या कर रही है, 28 किलोमीटर चल रही है कितने मिनट में, 50 मिनट में। आपको बताना है 5 आवर में लॉरी कितना चलेगी। चलिए इसके लिए भी एक वेरिएशन की टेबल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, और यहाँ पे नीचे लेते हैं हम टाइम, जो कि हमारा किस में रहेगा, मिनट में। डिस्टेंस एंड टाइम लेते हैं। तो सबसे पहले जो लॉरी है वो 28 किलोमीटर चल रही है कितने मिनट में, 50 मिनट में। आपको बताना है कि अगर 5 पावर अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 300 मिनट। जो हम एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं कि 300 मिनट में वह एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, तो यहाँ पर वेरिएशन लें, 28/50 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 300। ये हमारा वेरिएशन हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 28/300/50 इज इक्वल टू एक्स। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से 6 टाइम 28 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास में, 168 इज इक्वल टू एक्स। तो आंसर क्या होगा,
हैंस 168 किलोमीटर कवर इन 5 आवर। 5 आवर में कितना कवर करेगी वो? 168 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर क्लॉथ इज 546, देन आपको कॉस्ट बताना है कितने क्लॉथ का? 4 मीटर क्लॉथ का। चलिए इसके लिए भी एक छोटी टेबल, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्लॉथ जो कि आपका किसमें है? मीटर में। और यहाँ पे लेते हैं हम कॉस्ट, क्लॉथ और कॉस्ट। चलिए तो क्लॉथ अगर आपके पास में 13 मीटर है तो ये कितने का है? 546 का। आपको कितने मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है? 4 मीटर क्लॉथ की, जिसका प्राइस आप क्या लेंगे? लेट दैट प्राइस भी एक्स। चलिए वेरिएशन करें, 13/546 इज इक्वल टू 4/एक्स। ये आपने किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 × 546/13। ये हो गया आपके पास में। अब इसको सॉल्व करें, 13 से कट करेंगे, 13 × 4 = 13, 2 = 26, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 × 42, जो कि आपका कितना होगा? 168। तो आंसर क्या होगा? व्हेन 4 मीटर क्लॉथ वी टेक देन प्राइस इज 168 रुपीस। तो प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 168 रुपीस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ 35 सीट इज 280 ग्राम। 35 सीट का मास कितना दिया हुआ है पेपर का? 280 ग्राम। देन आपको सीट्स बतानी है जिसका वेट आपका कितना हो? 7.2 kg। चलिए इसके लिए भी हम क्या करें, एक छोटी सी टेबल बना लें। सबसे पहले क्या लें? सीट्स। और यहाँ पे क्या ले लें इसका? वेट, सीट ऑफ वेट। चलिए तो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट करें। तो सबसे पहले अगर 35 सीट्स हैं तो आपका मास कितना होगा इसका? 280, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है कितनी सीट होंगी जिसका जो वेट है वो क्या हो? 7.2 kg। अब यहाँ पे किलोग्राम में दिया है, तो किलोग्राम को सबसे पहले हम कन्वर्ट किस में करेंगे? ग्राम में। तो जो आपका होगा क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई 7200 ग्राम। चलिए वेरिएशन करें, 35/280 इज इक्वल टू एक्स 7200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 35 × 7200 × 280 इज इक्वल टू एक्स। जीरो से सबसे पहले जीरो कैंसिल आउट, 7 × 5 = 7, 4 = ये आपका कट हुआ। अब 4 से कट करें, तो 4 से कट करें तो कितना टाइम जाएगा? 4 × 4 = 4, 4 × 8 = 32। तो 5 × 180 इज इक्वल टू एक्स। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 900 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स अगर आपकी 7.2 kg सीट का वेट होगा तो सीट कितनी रिक्वायर्ड होंगी? सीट आपकी रिक्वायर्ड होंगी 900। तो यहाँ पे आंसर में आप हैंस करके लिखेगा, हैंस व्हेन अ वेट इज 7.2 kg सीट रिक्वायर्ड इज 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ मास ऑफ एन आयरन रॉड वेरी डायरेक्टली टू इट्स लेंथ। इफ अ 15 cm लॉन्ग रॉड हैज अ मास ऑफ 180 ग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड मास 105 ग्राम। चलिए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की क्या लें यहाँ पर? लेंथ। और सेकंड क्या ले लें? मास ऑफ रॉड। तो ये स्मॉल पॉइंट लिख रहे हैं, आप कॉपी में बिग पॉइंट लिखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिया लेंथ ऑफ रॉड एंड मास ऑफ रॉड। तो जब 15 cm है तो क्या है इसका? 180 ग्राम। मास कितना हो रहा है 15 cm में? 180
आपको बताना है 105 ग्राम जब होगा तो कितनी लेंथ होगी रॉड की, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स। चलिए अब इसको वेरिएशन में करें तो क्या होगा, 15/180 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 105 क्रॉस मल्टीप्लाई 15/105 अपॉन 180 इज इक्वल टू एक्स। चलिए अब इसको कट करें, तो कट करेंगे तो किससे करें, 3 5 3 6 जा, ठीक है, देन 5 2 10 5 5 5 5 1 5 कैरी बचा 1 देन 12, तो आपका क्या आया 5 × 21/12 इज इक्वल टू एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 8.75 इज इक्वल टू एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ, हम लिखेंगे हैंस व्हेन मास ऑफ रॉड इज 105 ग्राम देन लेंथ ऑफ रॉड इज 8.75 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इवनिंग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।